और भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यह बैठक है। कमलनाथ बैठक में वर्चुअली जुड़ चुके हैं। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने यह बैठक की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में बता दें आने वाले दिनों में न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी, भोपाल पहुंचेगी और इसी को लेकर के तैयारियां जो हैं कांग्रेस की तरफ से चल रही हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस कार्यालय में ये बड़ी बैठक हुई, सभी नेता कार्यकर्ता दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कमलनाथ वर्चुअली इस बैठक में जुड़े थे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, तैयारियों को लेकर ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले दिनों में न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी और उसी को लेकर के तैयारियां अब कांग्रेस में चल रही है। तो बड़ी बैठक कांग्रेस में हुई है और इस बैठक में कमलनाथ भी जुड़े। बेहद ही खास इस बैठक को मान सकते हैं। हालांकि कितनी खास ये बैठक रही ये जानकारी हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया देंगे, जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, कांग्रेस की बड़ी बैठक, बेहद ही खास बैठक और चूंकि न्याय यात्रा भी पहुंचने वाली है मध्य प्रदेश, तो आखिर इसे लेकर के किस तरह की तैयारी, किस तरह की रणनीति तैयार की गई है कांग्रेस द्वारा और ये बैठक कब तक चलने वाली है या खत्म हो चुकी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बैठक अभी खत्म हुई है। सारे नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है और जिस तरीके से माना जा रहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यह बैठक की गई, तो पहले विधायकों से वन टू वन चर्चा की गई कि जिन इलाकों में खासकर उस यात्रा को गुजरना है वहाँ किस तरह का रूट प्लान होगा उसको लेकर चर्चा की, किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो नाइट स्टे करेंगे, चाहे वह रावगढ़ की बात हो या फिर उज्जैन के आसपास के इलाके, तो 2 से 3 नाइट स्टे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। तो ऐसे में वो व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी, कहां कहां से कार्यकर्ता आएंगे, ये सारी बातें जो है आज की बैठक में हुई। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें थी, उसके बाद हालांकि कल उस पर विराम लग चुका था, लेकिन आज ये माना जा रहा था क्या वो बैठक में उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, चूंकि वो बेंगलोर दौरे पर थे और यही कारण है कि इस बैठक में वो वर्चुअल जुड़े और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और बताया किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को मध्य प्रदेश में सफल बनाना है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। हालांकि जो 6 विधायक है छिंदवाड़ा के वो यहां नहीं पहुंचे थे, उसको लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शैलेंद्र, इस बैठक में बेहद खास बात ये भी देखने को मिली है। बेहद खास बात इसलिए मैं कह रही हूं चूंकि कमलनाथ के साथ तो चलिए मनमुटाव को दूर कर दिया गया, पर हमने कल भी स्थिति देखी थी कि किस तरह से पोस्टर से फोटो गायब था कमलनाथ का और उसके बाद सब स्थिति ठीक होती हुई नजर आई। अब भूपेंद्र सिंह ने भी एक संदेश दिया है, जिसको जाना है वो जाए, दरवाजे खुले हैं, तो ये कड़ा संदेश है कहीं ना कहीं सबके लिए। निश्चित तौर पर देखिए, भले ही कांग्रेस के तमाम जो नेता हों वो पार्टी छोड़ रहे हों, बीजेपी का दामन थाम रहे हों, लेकिन उसी के बीच इस तरह के ये कड़े शब्दों में कहना कि जिसको जाना है वो जा सकता है, पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी की रीति नीति के हिसाब से जो लोग काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग पार्टी की रीति नीति को नहीं मानेंगे ऐसे लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और सीबीआई का डर बीजेपी के द्वारा दिखाया जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, जो डर जाएगा वो पार्टी छोड़ेगा, जो नहीं डरेगा वो पार्टी के साथ रहेगा। तो ये साफ क्लियर कट निर्देश जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को या जो तमाम जो नेता ऐसे हैं जो दल बदल के बारे में सोच रहे हैं उनको साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर आपको पार्टी की रीति नीति नहीं भा रही है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए। हालांकि इस बयान पर बीजेपी जरूर तंज कस रही है, वो कह रही है कि देखिए कुछ बचा ही नहीं है, ये जो कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो भंवर जितेंद्र सिंह की हताशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये बता रहा है कि पार्टी ने किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर सरेंडर कर दिया है, ये कहना जो है वो बीजेपी की तरफ से है। लेकिन कहीं ना कहीं भले ही पार्टी में लगातार लोग छोड़ के जा रहे हो, लेकिन उसके बीच में भी ये कहना कि जिसको जाना है वो जाए, ये बताता है कि कितने कॉन्फिडेंस में फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। कॉन्फिडेंस तो क्या ही कहें, शायद ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, तभी ये बातें भारी पड़ती है बाद में कांग्रेस को। फिलहाल बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस को डूबती नैया बताया है। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी पर प्रलोभन देने का आरोप हास्यास्पद है। कांग्रेस को कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, ये बड़ा बयान सीएम साय की ओर से दिया गया है, क्या कुछ और उन्होंने कहा सुनिए आप भी।
अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज कांग्रेस पार्टी डूबती नैया हो गई है, सब बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर अपना ठिकाना खोज रहे हैं और ऐसे समय में ये उनका मतलब वक्तव्य बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, दीपक बैच को भी हमने सुना था कि वो कई तरह के संगीन आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे कि प्रलोभन दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा और हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। इसका जवाब सीएम साय ने बखूबी तरीके से दिया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का भाजपा में प्रवेश को लेकर। पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता जो है भाजपा में प्रवेश कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं का लगातार बयान आ रहा था कि भाजपा में प्रवेश होने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, उन्हें फोन कॉल किया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। इस तरीके से बयान जो है पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस तरीके से किसी तरीके से प्रलोभन नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर डूबती नहीं है और जो भाजपा की रीति नीति समझ रहे हैं वो यहाँ पे स्वयं खुद से ही आ रहे हैं। किस तरीके से उनसे संपर्क नहीं किया गया, साफ शब्दों में कहा गया है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में पार्टी दल बदल की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। कई बड़े नेता जो है प्रवेश करते हैं लेकिन भाजपा जिस तरीके से यहाँ पे बहुमत के साथ सरकार बनाई है, कई कांग्रेस के बड़े नेता लगातार आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि और भी कई संगठन के लोग भाजपा में प्रवेश कर सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। जी वाकई आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और लगता है रुख दूसरी पार्टियों की तरफ करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आकाश। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान आया, विधानसभा में हार के लोकसभा के लिए सीख हमें मिली है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम हारे हैं विधानसभा चुनाव। कुछ लोग ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आ रही है, इन गलतियों से सबक ले चुके हैं, बहुत जल्दी नामों की घोषणा होगी, सीधे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, प्रत्याशियों के नाम भेजे जा चुके हैं। ये बड़ी बातें पूर्व मंत्री शिव डहरिया द्वारा कही गई है, सुनिए। कमी ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा कि हमारी तो सरकार बन रही है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ था पूरे प्रदेश में, सारे किसान खुश थे, नौजवान खुश थे, युवा महिलाएं SC ST सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ था निश्चित रूप से उससे कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता उत्साहित थे और हो सकता है ज़्यादा उत्साह भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें पार्टीगत चर्चा हुई है तो उसमें अब जो पिछली समय में जो कुछ कमियां रह गई थी उन कमियों को हम आने वाले समय में दूर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और दावा किया कि हम यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी पर निशाना भी साधा और कहा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी केंद्र सरकार विकास में जुटी है। राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी मार्च में लखनऊ आउटर रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे। राजधानी में तमाम परियोजनाएं संचालित सर की जा रही हैं, आज निरीक्षण पर आप निकले हैं, किस तरह से देखते हैं? बस हमारी 104 किलोमीटर ये लखनऊ की जो रिंग रोड है उसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है और मैं समझता हूँ मार्च के फर्स्ट वीक में इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश शहर की ये लखनऊ शहर की जो ट्रैफिक जैम की समस्या थी उसका काफ़ी हद तक निराकरण हो जाएगा क्योंकि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्या थी ये ट्रैफिक जाम की हमारे लखनऊ महानगर की। जिस समय सांसद के रूप में 2014 में हमने जिम्मेदारी संभाली थी उसी समय एक साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को मैंने स्वीकृत कराया था और उस पर लगातार काम चल रहा था। कुछ विलंब हुआ है, 1.5 साल पहले पूरा होना चाहिए था लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी जिसके कारण पूरा। सर, आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, राहुल गांधी भी आज लखनऊ में रहेंगे, किस तरीके से सर विपक्ष को देखते हैं, चुनौती किस तरीके से विपक्ष की देखते हैं? हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि सबकी यात्रा के बारे में वो देखें, वो लखनऊ आ रहे, लखनऊ कोई आए सभी का स्वागत है। सर, जो बीजेपी का मिशन 80 का लक्ष्य है यूपी में उसे किस तरीके से देखते हैं? 80 में 80 सीटें प्राप्त होंगी। थैंक यू सर।